और भाई, मेरा परम सौभाग्य है कि राजनीति के प्रपंच से हटकर कुछ ज्ञान और आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए मुझे यहाँ आने के लिए अवसर प्रदान किया गया। मुझे अवसर प्रदान करने वाले सभी आयोजकों का मैं हृदय से आभारी हूँ और उनका धन्यवाद करता हूँ। वैसे तो गुरुदेव का आगमन भोपाल में कई बार हुआ, पर मुझे आपके दर्शन और थोड़ा सा सत्संग कुछ क्षणों के लिए करने का अवसर आज प्रातःकाल पहली बार। अभी मेरा कुछ परिचय कराया गया और उसमें श्रेष्ठ राजनेता ऐसा भी कुछ कहा गया। आज के समय में राजनेता और श्रेष्ठ दोनों परस्पर विरोधी शब्द हो गए। हालत इस कदर बदतर है कि किसी को सबसे बड़ी गाली अगर देना हो तो कह दो कि नेताजी जा रहे हैं, इससे बड़ी गाली आज दूसरी कोई है। अब मेरा सौभाग्य कहिए, दुर्भाग्य कहिए, संयोग कहिए, योग कहिए, मैं पिछले 50 साल से इस क्षेत्र में खट रहा हूं। नियति ने मुझे भेजा गया या मेरे जिम्मे ये क्षेत्र किया कि मैं इसमें काम करूं। सन 1947 के पहले की पीढ़ी के साथ भी मैंने थोड़ा बहुत समय बिताया अपने बचपन में तरुणाई, और ऐसा लगता था कि पराधीनता से देश मुक्त हो गया तो सच में यहाँ पर गांधी जी ने जैसा कहा है कि अपना राज होगा तो राम राज होगा, सच में राम राज याद आए। गांधी जी ने जब देश में कहा कि भाई अपना अपने देश में अपना राज लाओ, लोगों ने पूछा क्या होगा, तो फिर राम राज होगा। राम राज शब्द मात्र के गांधी जी के उच्चारण से या कथन से या निर्देशन से या प्रसारण से फिर किसी को कुछ ये शंका कुशंका नहीं हुई कि वो कैसा होगा, क्या होगा, ये होगा, वो होगा। राम राज ठीक है, वही चाहिए इस देश को, वही चाहिए। और इसलिए बच्चे, बूढ़े, माताएं, बहनें सब पता नहीं किन किन ने क्या क्या त्याग, तपस्या, परिश्रम, बलिदान, संघर्ष किया होगा, फांसी के फंदे पर झूले होंगे। माताएं, बहनें, अनाथ बच्चे, विधवाएं, घर परिवार बर्बाद, और हमने सब कुछ होम करके सब प्रकार के प्रयोग से सेना का विद्रोह हुआ, क्रांतिकारी मरे लड़े, अहिंसा का आंदोलन हुआ, जन जागरण हुआ, और हमने एक परिस्थिति पैदा हुई और अपने देश में टूटा फूटा सही भारत का खंडित क्यों न हो पर एक स्वराज्य प्राप्त, लोगों को बड़ी आशा। आज 47 से 97 50 वर्ष पूरे हुए, हम सोचते थे कि अब भारत अपने स्वरूप को प्राप्त करेगा। आज 50 साल के बाद ऐसा लगता है आज की पीढ़ी खड़ी होकर के देखती है कि हम रास्ता भटक गए हैं और कहां जाना था कहां पहुंच गए, दिखाई नहीं देता। विश्वास का संकट है, चरित्र का संकट है। आज जो कुछ दिखाई देता है, क्या यही भारत है, क्या इसी के लिए लड़े मरे, बड़ी निराशा। और राजनीतिज्ञों पर से तो विश्वास एक प्रकार से समाप्त हो, क्या होगा देश का, इसके लिए आज हर देशभक्त चिंतित। किससे आशा करें, भारत को थोड़ा बहुत अगर बचा करके रखा है तो राजनीति से हट करके साधना करके इस भारत के ज्ञान विज्ञान इसको जिन्होंने बचा करके रखा है उनसे ही आशा, उनसे ही आशा।
इस भारत में हमारे महान पूर्वजों ने, पराक्रमी पूर्वजों ने, त्यागी तपस्वी साधु भारत ने कभी चक्रवर्ती साम्राज्य की राजाओं महाराजाओं की पूजा नहीं की। यहाँ सब कुछ छोड़ करके जो त्यागी तपस्वी सन्यासी हुए भारत ने उनको पूजा, जिन्होंने सब कुछ छोड़ा अपने लिए और अपने को समाज के अर्पण किया उसकी यहाँ पर पूजा हुई। अवतारों की पूजा हुई, तीर्थंकरों की पूजा हुई, किसी नेता की, राजा महाराजा चक्रवर्ती सम्राट की मूर्ति मंदिर कहीं दिखता है आपको जिसकी हम पूजा करते हैं? नहीं, हमारी संस्कृति की मूर्ति। राजा और राजकारण ये समाज का एक बहुत छोटा सा हिस्सा है। राजा को भी गुरु, ब्राह्मण और संत ये नियंत्रित करते हैं। ये धर्मसभा है और वैसे मुझे कोई बहुत लंबा भाषण और उपदेश करने का अधिकार नहीं है, मैं अनाधिकार चेष्टा कर, परंतु ऐसे जगह में जब जाता हूं तब मन में जो कुछ गुहार भरा हुआ है वो निकल आता है। एक छोटे से उदाहरण से स्पष्ट हो सकता है। महाराजा दशरथ राज करते रहे, राम दरोक्षण छोटे छोटे बालक रहे और विश्वामित्र पहुंच गए सभा में कि राजा अपने इन दो बालकों को मुझे दे दो। महाराज क्यों? राक्षस यज्ञ का विध्वंस करते, उत्पात करते, उनसे यज्ञ की और ऋषियों की रक्षा के लिए मुझे तुम्हारे दोनों पुत्र चाहिए। दशरथ बड़े परेशान चिंता में पड़ गए, महाराज ये तो बालक है, राक्षसों से कैसे लड़े? आप मेरी सेना ले जाइए, सेनापति ले जाइए, अस्त्र शस्त्र ये सब ले जाइए, आपका रक्षक। तो नहीं, मुझे तो राम और लक्ष्मण चाहिए, ये यज्ञ की रक्षा करेंगे, ऋषियों की रक्षा करेंगे। राजा ने बहुत अनुनय विनय किया, किसी तरह बच्चों को छोड़ दो महाराज और सेना को रक्षा के लिए ले जाओ। सब अनुनय विनय करने के बाद भी विश्वामित्र ने कहा यही ऋषि का आदेश है और राजा को विनम्रता से उस आदेश का पालन करना। धर्मराज राजा का राज्य नहीं था, धर्म का राज्य था। हमारे महान पूर्वजों ने जिन जिन ज्ञान और विज्ञान का इस प्रादुर्भाव किया, तपस्या, त्याग तपस्या और अध्ययन करके, साधना करके, ज्योतिष, यंत्र, मंत्र, तंत्र, ये सब मनुष्य के उपकार करने के, मनुष्य को अपने जीवन के उद्देश्य की प्राप्ति कराने के साधन है। मनुष्य पंच तत्व का पुतला है। पंच तत्व का और मनुष्य का किस प्रकार से समायोजन रहता है, किस प्रकार से उस वातावरण का मनुष्य के शरीर पर कैसे प्रभाव होता है, यंत्र से, मंत्र से, तंत्र से, मनुष्य और पंच तत्व के बीच का जो कुछ भी तालमेल है वो कैसे ठीक बैठ सकता है, ये सब ज्ञान है, विज्ञान है। और इस ज्ञान और विज्ञान को आधुनिक भारत ने तो भुला दिया, जो अपने आप को प्रोग्रेसिव और प्रगतिशील कहते हैं, जो चार अंग्रेजी की गिटर पिटर किताबें पढ़ करके विद्वत्ता का दावा करते हैं, उन लोगों ने तो इस विज्ञान को और ज्ञान को समझा नहीं, पढ़ा नहीं, देखा नहीं, सुना नहीं, समझा नहीं और उसकी मखौल उड़ाई। परंतु गुरुदेव, आप जैसे महान पुरुषों ने, महात्माओं ने, त्यागियों ने, तपस्वियों ने साधना करके जीवन का बहुमूल्य समय खपा करके और इस ज्ञान विज्ञान को न केवल जीवित रखा, न केवल उसका प्रचार प्रसार किया, पर उसके प्रति श्रद्धा और आस्था भी आपने बना के रखी, जगा के रखी। मेरे जैसा राजनीति के क्षेत्र में काम करने वाला व्यक्ति, जो क्षेत्र आज सबसे बदनाम है, सबसे अविश्वसनीय है, और मुझे ये परम सौभाग्य प्राप्त हुआ कि मैं आपका सम्मान अभिनंदन करूं, आपको पुष्प अर्पण करूं, माला अर्पण करूं, ये मेरे लिए सौभाग्य। आपका अभिनंदन और सम्मान करके मैं ऐसा मानता हूं कि थोड़ा इंच दो इंच मेरा सम्मान बढ़ा,
आपका अभिनंदन करते हुए, आपको वंदन करते हुए, आपको प्रणाम करते हुए मैं प्रार्थना करता हूं कि आपके प्रयास से भारतीयता, ज्ञान विज्ञान, यंत्र मंत्र तंत्र ज्योतिष, ये सब साधना के प्रति लोगों का विश्वास बढ़े और भारत एक दिन अपने ज्ञान विज्ञान के बल पर इस देश में रामराज्य स्थापित करके दुनिया का विश्व गुरु करने, विश्व गुरु होने का अपना प्राचीन स्थान और गौरव प्राप्त करे। आपके आशीर्वाद से ये दिन हम अपने जीवन काल में देखें, इसकी अपेक्षा रखना के साथ आपको पुनः पुनः प्रणाम। परम तत्वाय नारायणाय गुरुभ्यो नमः। ओम रीम मम प्राण देह रोम प्रतिरोम चैतन्य जाग्रय रीम ओम नमः। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवि तुर वरेण्यम भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्।